अभी जो मेरे पास में ओपनिंग्स आए हुए हैं ये अजियो कंपनी है। अजियो कंपनी बहुत ही बड़ी पॉपुलर कंपनी है। अजियो कंपनी एक रिलायंस का कंपनी है, आप लोग को पता है, और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ओपनिंग्स होने वाला है। वेल यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छा खासा, एक टेंथ पास कैंडिडेट के लिए भी, एक बिलो टेंथ पास कैंडिडेट के लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, उनको भी यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलता है। वेल यहाँ पे सबसे बड़ा चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि जो अनएजुकेटेड है, यानी कि जो अनक्वालिफाइड है, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5वीं पास है, इनफैक्ट समझो नन भी है, तो उनका भी यहाँ पे हायरिंग होने वाला है। मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे चलेंगे। साफ साफ समझिए कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी यहाँ पे चल सकते हैं। उनका पोस्ट थोड़ा सा लोअर पोस्ट रहेगा और जिनका क्वालिफिकेशन 10th पास है उनका पोस्ट थोड़ा हायर पोस्ट रहेगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंशिएशंस नहीं होता सैलरी का, ओवर टाइम का रेट सेम होता है, लेकिन सैलरी जो बेसिक सैलरी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशंस होता है। इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से कलेक्ट कीजिए, उसके बाद में वेल आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए हमारे पास में जितने भी सारे रिक्रूटमेंट्स के अपडेट होते हैं, वैकेंसीज होती है, वो बिल्कुल फ्री होता है। मे बी उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज या फिर कोई भी फीस नहीं लगता। और ये जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं सूरज जादौन सर कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट है सूरज जादौन सर का है, बहुत ही अच्छे खासे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इतना समझ लो कि अगर इनके ऑफिस में आप लोग विजिट किए तो वापस लौटने की बात नहीं है। अगर एजियो कंपनी में नहीं हुआ तो ये बहुत सारे इनके पास में कंपनी है, मीसू कंपनी है, एफकाई जैक है, महिंद्रा है, फिर यहाँ पे जेप्टो कंपनी है, ये सारी कंपनी इसके पास में है, तो यहाँ पे वापस लौटने वाली बात नहीं है। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सूरज जादौन सर लेंगे, लेकिन आप विजिट करोगे, आपका पॉजिटिव थिंकिंग होगा, आप काम करने वालों में से होंगे तभी, नहीं तो निगेटिविटी वाले लोगों को यहाँ पे कोई भी डिमांडिंग नहीं किया जाता। तो एजियो कंपनी है, लड़के और लड़कियों की दोनों की आवश्यकता है। उम्र सीमा जो है 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट का ओपनिंग्स होने वाला है और यहाँ पे एज लिमिटेशन 18 to 40 ईयर्स है। ये एज का लिमिटेशन बहुत अच्छा है इसमें, तो 18 से 40 साल तक का उम्र सीमा है, तो मे बी डेफिनेटली यू आर एलिजिबल, राइट। देखिए अभी तो भर्ती इसमें स्टार्ट है, अजियो वेयर हाउस में जो सामान है उसमें पैकिंग, पिकिंग, स्कैनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग का काम है। लेकिन घबराइए मत, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है तो आपको लोडिंग अनलोडिंग इसमें नहीं करना होता। लोडिंग अनलोडिंग अनपढ़ कैंडिडेट करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको जो है काम मिलता है, लोडिंग अनलोडिंग का मिलता है। राइट नाउ जो इसमें सैलरी है, बेसिक सैलरी है 8 घंटे और 26 दिन का जो सैलरी यहाँ पे है 14,600 रुपये है, मतलब समझो मोटा मोटी 15,000 रुपये है पीकर, पैकर, स्कैनर का। वही लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर का 14,000 रुपये है। ओवर टाइम यहाँ पे मेंशन है 110 रुपये प्रति घंटा। वेल ये बेस्ट होगा, यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की गई है कि कम से कम महीने में ओवर टाइम 30 से 40 घंटे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर 30 से 40 घंटे ओटी मिलता है मे बी डेफिनेटली यू कैन अर्न 4 to 5,000 रुपीज़ फॉर ओवर टाइम। तो ओवर टाइम से यहाँ पे 4 to 5,000 रुपीज़ अर्निंग के चांसेस है, मतलब 4 से 5,000 ओटी से कमाओगे तो यहाँ पे 14,600 रुपये आपका पिकर, पैकर, स्कैनर का बेसिक सैलरी है। उस बेसिस के आधार पे 18 से 19,000 रुपये तक यहाँ पे आराम से 20,000 तक भी बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करना होता है, समय देना होता है, कंपनी में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचना होता है। ऑल राइट, मेल का जो पोस्ट है 150 है, फीमेल का 100 है। सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है, इंडो स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क विलेज लुहारी झज्जर हरियाणा, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो है सो गुड़गांव बस अड्डा, वहाँ से पाटौदी आए या दिल्ली से लोकल ट्रेन पकड़ के आना है। एंड वेल यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन जो है आपको सूरज जादौन सर का है, जो कि सीनियर सुपरवाइजर है जी इंटरप्राइजेस का, तो आप लोग इनसे टॉकिंग्स कर सकते हो। याद रखिए फ्री जॉब्स है, मे बी कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस नहीं लगेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा और डायरेक्ट टॉकिंग कीजिए, बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच।